जो होगा वो सिंगल सिम होगा या डबल सिम होगा, क्या इसमें जियो के अलावा एयरटेल वोडाफोन आइडिया की सिम चलेंगी या नहीं चलेंगी। और जैसा कि हम न्यूज़ में सुन रहे हैं कि जियो फ़ोन बिल्कुल फ्री होगा, यानी कि कोई भी पैसे हमें नहीं देने, तो कितनी बात सच है ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि आपने न्यूज़ में सुना होगा कि 100% रिफंडेबल है, 1500 रुपये 3 साल का चक्कर है, तो ये सब इस वीडियो में बताऊँगा। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो ये है इंडिया का स्मार्टफोन जियो फ़ोन, जिसको 21 जुलाई को अंबानी सर ने लॉन्च किया था। और उन्होंने कहा था कि जियो फ़ोन इज़ इफेक्टली फ्री, यानी कि उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो है ज़ीरो, यानी कि आपको 1 भी रुपये नेट टू नेट कॉस्ट वो है 0 रुपये, यानी कि 1 रुपये नहीं देना है इस फ़ोन को। उन्होंने बताया था स्मार्टफोन यानी कि सारी एप्लीकेशन जो स्मार्टफोन में है वो चलेंगे। और इस फ़ोन की जो अवेलेबलिटी है कब तक आएगा, अगस्त 2017 के बाद, यानी कि 24 अगस्त को, 24 अगस्त से इसका प्री बुकिंग स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अभी तक आपने जितनी भी वीडियो देखी यूट्यूब पर की प्री बुकिंग है, ये हो वो है, अभी तक प्री बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई। सिर्फ उन्होंने एक नोटिफिकेशन, एक पोस्टेड ऐसा कुछ वेबसाइट पे उन्होंने लॉन्च किया है। तो हम बताते हैं कौन सा सिम इसमें सपोर्ट करेगा, क्योंकि जियो चाहता है कि सिर्फ अपना ही नेटवर्क फैलाए, इसलिए जियो जो होगा इसमें सिर्फ 4G नेटवर्क वाली सिम ही लगेगी। यानी कि जियो की इनबिल्ट सिम भी आ सकती है, यानी कि पहले से लगी हुई सिम आ सकती है जिसको आप निकाल भी नहीं सकते, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि इसमें एक ही सिम लगे, सिर्फ जियो की सिम काम करे। तो ये टोटल प्राइस की बात करें तो ये फ़ोन जो है वैसे तो फ्री है, यानी कि फ्री कैसे, यानी कि आप अगर 1500 रुपये दे देंगे तो 3 साल बाद अगर फ़ोन वापस करेंगे तो पूरे के पूरे पैसे आपको दोबारा से मिल जाएंगे। यानी कि 3 साल आप यूज़ कीजिए एक तरह से किराए पर लेकर, और 3 साल बाद आप जियो स्टोर पर जाइए और उस फ़ोन को वापस देकर दोबारा से 1500 रुपये ले आइए। तो ये खबर आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।